इस जप से अपने आप को जोड़िए। देखिए मन कितना मजबूत होता है, छोटी मोटी बातों पर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बहुत बड़े अपमान को सहन कर लेते हैं। शंकर जी ने इतना बड़ा अपमान सहन कर लिया, और किसका? अपने ससुर का। इन पुरुषों को पता है कि सब जगह का अपमान सहन भी कर लिया जावे, लेकिन ससुराल का अपमान सहन नहीं होता। बेचारी घरवाली की खैर नहीं है थी, ससुराल में कुछ बोल दिया किसी ने, बाहा महादेव, वो तो कुछ कहते ही नहीं सती माता को आकर के। यह है जप का प्रभाव। राम मंत्र नित्य भोलेनाथ जपते हैं। कोई कहता है क्या पति और पत्नी का एक ही मंत्र होना चाहिए, क्या एक ही गुरु होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। ये अपनी इच्छा के ऊपर है कि हम कौन से देवता को मानते हैं। जबरदस्ती से किसी को देवता को मत मनवाइए। वो राम जी को मानते हैं, वो राम जी को ही माने। हृदय की आस्था ऐसी, जो कृष्ण को मानते हैं इष्ट के रूप में, वो कृष्ण को मानते हैं, माने। कभी कभी झगड़ा होता है, मैं गणेश को मानता हूं, तू क्यों नहीं मानती? ठीक है, आप सब देवताओं का सम्मान करें, आदर करें, लेकिन उनका अपना एक इष्ट है, उनका अपना इष्ट है, इष्ट के प्रति स्नेह प्रेम प्रीति। और ये जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी का एक ही मंत्र होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी अविवाहित काल में बेटियां दीक्षा ले लेती हैं, उसका विधान है, माता पार्वती ने दीक्षा ली है, और भी तमाम ऐसे उसके विधान है। जब ससुराल में जब वो है जाती है, विवाह के बाद उसको आक्रोशित किया जाता है, उसको पिंच किया जाता है, नहीं सो कैसे हो जाएगा, हमारे तो घर के वह है गुरु हैं और तुम्हें ये मंत्र क्यों है ऐसा? जो 10 साल या 15 साल आप अपने किसी गुरु को मानती रही, पूजती रही, और तुम्हारे दबाव में आकर वह अपनी श्रद्धा के कच्छ से उस महापुरुष को बाहर निकाल दे, यह आप उस नारी को किसी गुरु से जोड़ नहीं रहे हैं, ये आप अपराध कमा रहे हैं। धरती के जितने भी साधु हैं वो सब गुरु हैं, सबके प्रति सम्मान रखिए। तुम जिस महापुरुष से दीक्षा ले रहे हो, घर की नारी उसको गुरु वत समझे, उसका आदर करे, उसका मान करे, तो तुम जबरदस्ती से कब नहीं इससे मंत्र लेना पड़ेगा और नहीं भूलना पड़ेगा, तो यह अपराध है। शंकर जी राम मंत्र जपते हैं और मां भगवती जगदम्बा कृष्ण मंत्र जपती है। ओ जपते ओम राम रामाय नमः, और मां भगवती जगदम्बा जपती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्म पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक